गाइज, आप अपने डेल लैपटॉप का जो जेन्युइन ग्राफिक्स ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, आप उसे कहाँ से और कैसे डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, ये मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो गाइज, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपने किसी भी एक फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद और आपका जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है, तो आपको उस कंपनी का आपको यहाँ पे नेम को आपको यहाँ पे टाइप करना है अपने सर्च बार में। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर डेल ड्राइवर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, देन इंटर, और आपको यहाँ पे डेल के रिलेटेड पहला ही आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का। तो आपको इसी ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपके यहाँ पे सर्च बार आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस सर्च बार में अपने लैपटॉप का आपको यहाँ पे सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर बाय द वे आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है कि क्या है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा, और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्च बार पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपके लैपटॉप के रिलेटेड जो मॉडल होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन कर आपको यहाँ पे एक्सटेंड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करोगे, तो आपको यहाँ पे आपके लैपटॉप के रिलेटेड, मैंने आपके लैपटॉप का जो सीरियल नंबर है उस लैपटॉप के रिलेटेड जितने भी मैंने ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर अपडेट हुए होंगे या नहीं भी हुए होंगे, टोटल ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ग्राफिक्स रिलेटेड ड्राइवर सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इंटेल एसडी ग्राफिक्स ड्राइवर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर बाय द वे आपका एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड अगर आपके लैपटॉप में लगा हुआ होगा या एएमडी रेडियन का लगा हुआ होगा, तो आपको यहाँ पे इंटेल का जगह आपको यहाँ पे एएमडी का आपको यहाँ पे नेम शो होगा, नहीं तो आपको यहाँ पे एनवीडिया का नेम शो होगा, लेकिन आपके यहाँ पे ग्राफिक्स ड्राइवर आपको यहाँ पे लिखा हुआ शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उसी ग्राफिक्स ड्राइवर को आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद जैसे मैं आपको बता दूँ कि ये कहाँ पे डाउनलोड होगा जिन लोग को मालूम नहीं है, तो आप अपने पीसी में जाओगे। पीसी में जाने के बाद, दिस पीसी में जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड का आपके यहाँ पे फोल्डर आपके यहाँ पे शो होगा। तो इस डाउनलोड वाले फोल्डर में ही वो एप्लीकेशन, मैंने वो सॉफ्टवेयर जो है ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, वो आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करके मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं इस ड्राइवर सॉफ्टवेयर को मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ हूँ। तो आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड कर लेने के बाद फिर आपको उस एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको उसे इंस्टॉल करना है। अगर बाय द वे आप किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी सॉफ्टवेयर या गेम को अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए होंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश कर सेम प्रोसेस है, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे भी नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश करके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। इंस्टॉल कर लेने के बाद फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और आपका जो ग्राफिक्स ड्राइवर सॉफ्टवेयर है वो आपके यहाँ पे डाउनलोड होगा, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर बाय द वे आप यहाँ पे गेम वगैरह आप यहाँ पे प्ले कर रहे हो या मूवी वगैरह आप यहाँ पे प्ले करते हो, तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के रिलेटेड आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस ग्राफिक्स ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद। तो आप इस तरह से आप यहाँ पे इस ग्राफिक्स ड्राइवर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताया हूँ। और गाइज, अगर आप अभी तक मेरे अनदर सोशल मीडियाज़ को फॉलो नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए हो, तो जल्दी जाके ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे ही बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह भी डालता रहता हूँ जो आपको हमेशा काम में आएगा। और आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे एक सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।